हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो आज मेरे पास एक पार्सल रिटर्न आया है और एक कस्टमर रिसीव नहीं किया था। ठीक है, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो जो है पैकेट भी खोला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए किस तरह से पैकिंग करके रखा है। और जब कस्टमर रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जब वो रिटर्न करते हैं तो उसमें हमारा लॉस होता है। ठीक है, लेकिन मैं मीशो पे जो डैशबोर्ड है वहाँ पर जाके मैंने चेक किया, तो चेक करने के बाद मुझे ऐसा कोई फ़ाइन वगैरह या कोई ऐसा कुछ रिवर्स शिपिंग चार्ज मुझे देना नहीं पड़ा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरे पास रिटर्न आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इसमें लॉस नहीं होगा। तो जब मैंने अभी अभी पार्सल को देखा तो देखकर मैं हैरान हो गया और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस 1430 रुपीज़ जो है यहाँ पर है। ओके, और ये डिलीवरी के द्वारा गया था और यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी है और मैं आप सभी को अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश गया था, तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ अच्छे से। चलिए देखिए, ये देखिए। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश गया था। तो चलिए मैं अभी पैकिंग को काटता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको, और डालने के बाद मैं पैकिंग को काटता हूँ। चलिए थोड़ा वेट करें। मैं देखिए मैं कैंची लेकर आया हूँ और अभी मैं इसको काटूँगा। तो चलिए, देखिए गाइस क्या मुझे भेजा है और मैंने क्या भेजा था। तो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसा हो रहा है और ऑनलाइन फ्रॉड तो आम बात हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मेरे पास क्या आया है और क्या भेजा है। तो क्या बताओ, मैं परेशान हो गया और मैं तो सोच रहा हूँ कि काम बंद कर दूँगा और मैं सेल नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा होगा तो मैं कभी भी ऐसे ही करके ऑनलाइन काम नहीं करूँगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बैग है मेरे पास आया और मैं अभी मीशो को ये वीडियो जो है भेजूँगा और मीशो को एक कंप्लेंट करूँगा। ठीक है, तो कंप्लेंट करने के बाद मुझे मेरा पैसा मिलता है नहीं मिलता है मैं वेट करूँगा। ठीक है, एक हफ्ता दो हफ्ता मुझे वेट करना पड़ेगा। तो आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़रूर ईमेल करिएगा कंपनी को। ठीक है, और वीडियो ज़रूर बनाना, ताकि आपके साथ ऐसा हो तो आप जो वीडियो ज़रूर बनाना। ठीक है, मैं कैसा बैग भेजा और मुझे कैसा मिला है। ठीक है, तो क्या बात हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि इस तरह काम करके फ़ायदा क्या, जो हर वक्त लॉस में ही जाए, लॉस ही हो हर वक्त। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो और हर वक्त ऐसा होता है। तो मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन काम करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मीशो पे काम करने का कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं कोई पार्सल भेजता हूँ तो वही पार्सल मेरे पास आता है। तो जैसे कि अमेज़न पे होता है, मैं अमेज़न क्या होता है कि जब भी कोई पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करने के लिए वहाँ पर बहुत कुछ जो है, अभी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अमेज़न पे कोई मोबाइल फ़ोन डिलीवरी होता है तो उसमें कैसे सिक्योरिटी कोड आता है। ठीक है, उसके बाद ये सब जो है मीशो का अपडेट करना चाहिए, और अपडेट जब तक नहीं करेगा तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है और कैसा क्या भेजा है, क्या बताऊँ। ये फ्रेंड्स, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।